भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज पृथ्वी शॉ को बीसीसीआई ने 8 महीने के लिए निलंबित कर दिया है। बीसीसीआई ने डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन के चलते उन्हें निलंबित किया। निलंबन के बाद पृथ्वी शॉ ने कहा कि इस बैन से उन्हें हिला दिया है। उन्होंने कहा कि वो इस झटके से और मजबूत होकर वापसी करेंगे। टीम इंडिया के लिए 2 टेस्ट खेल चुके इस युवा बल्लेबाज ने ट्वीट कर कहा कि मुझे आशा है कि हमारे खेल बिरादरी पे दूसरे प्रेरित करेगा कि हम खिलाड़ियों के रूप में चिकित्सा संबंधी बीमारियों के लिए किसी भी दवा लेने में बेहद सावधानी बरते। भले ही दवा काउंटर पर उपलब्ध हो, हम हमेशा प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि क्रिकेट मेरी जिंदगी है और मेरे लिए भारत और मुंबई के लिए खेलना बड़ा कोई गर्व नहीं है और इसमें भी तेज और मजबूत बनूंगा। शॉ ने 22 फरवरी 2019 को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के दौरान अपना यूरिन सैंपल दिया था। उनके सैंपल की जांच हुई जिसमें प्रतिबंधित पदार्थ ट्यूरिन के अंश पाए गए थे। ये पदार्थ वाडा के प्रतिबंधित पदार्थ का सूची में शामिल है। पृथ्वी शॉ ने कहा कि मैंने अनजाने में प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन किया और ये मैंने तब लिया जब मुझे फरवरी में इंदौर में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के समय गंभीर खांसी और जुकाम हुआ था। मैं पैर की चोट से उबर रहा था। PM News 24 की रिपोर्ट।